स्टाफ सुन ही नहीं रहा है, स्टाफ एक दो बार बोला है। दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर लोको चेंज होगा। मतलब लगभग 280 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। अब बात करें अगर थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में अंतर क्या रहता है खाने में, तो देखो ट्रेन नंबर 12284 एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो ट्रेन है, और ये ट्रेन 2943 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के लिए लेती है 40 घंटा 50 मिनट, वो भी मात्र 10 स्टॉप्स के साथ। और आज इस ट्रेन में इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो में अपन लोग जर्नी करने वाले हैं, जो कि हजरत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जंक्शन के बीच चलती है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई दुरंतो एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में ट्रेवल करो और इसमें जो भी फूड वगैरह की सर्विस होती है, जो भी सर्विस मिलती है, वो सब दिखाओ। तो हमने सोचा क्यों ना इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो के स्लीपर में ट्रेवल किया जाए और आपको सारी सर्विसेज दिखाई जाए। तो आज इस एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस में अपन लोग ट्रेवल कर रहे हैं स्लीपर क्लास में। तो चलो हम आपको अपनी सीट दिखाते हैं जो स्लीपर क्लास में, और जो भी सर्विसेज स्लीपर क्लास में मिलती है दुरंतो में, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। और हमारा जो फेयर है ना इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का, वो है अराउंड 1900, और डायनेमिक फेयर इसमें भी लगता है स्लीपर क्लास में, तो फेयर जो है ऊपर नीचे होगा और इसी में अपना केटरिंग चार्जेस भी इंक्लूड है। तो आज इस दुरंतो एक्सप्रेस में अपना कोच है SE1। अभी हम बताएंगे SE का मतलब क्या होता है। तो चलते हैं अपनी सीट पर, आपको अपनी सीट दिखाते हैं कौन सी है। तो ये है स्लीपर कोच इस दुरंतो का, और ये है अपनी सीट साइड फ्लोर 31 नंबर सीट है। ये अपना एक बैग रखा है, एक नीचे लगेज लॉक कर दिया है। और SE जो कोच हम लोगों को दिया है ना, तो भाई हम SE का बताते हैं। S का तो मतलब आपको पता है स्लीपर में मतलब होता है स्लीपर, और E का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जब भी किसी भी क्लास में एक्स्ट्रा कोच लगाया जाता है ना एक्स्ट्रा रश को क्लियर करने के लिए, तो उसमें SE लिख दिया जाता है। SE का मतलब स्लीपर एक्स्ट्रा। अगर थर्ड AC में लगाया जाएगा तो BE मतलब थर्ड AC का एक्स्ट्रा कोच। तो निर्धारित समय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। निर्धारित समय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन की हम टाइमिंग बता दें, तो हर सैटरडे को 9:40 पे रात में ये निकलती है हजरत निजामुद्दीन से, और तीसरे दिन 2:30 पे दोपहर में ये पहुंचा देती है एर्नाकुलम जंक्शन। तो अभी कहने के बाद जो है ना पानी की बोतल सर्व की गई है, इतनी देर से नहीं करी जा रही थी, किसी भी पैसेंजर को सर्व नहीं करी है, बट अभी जब टोका है बोला है उसके बाद सभी को पानी की बोतल सर्व की गई है। अभी रात का बज रहा है 11 और अभी अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है मथुरा जंक्शन, और पहला स्टॉप अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस का आएगा रात के 2:30 कोटा जंक्शन। अब इतनी रात को तो स्टेशन कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी लंबी जर्नी है, तो थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। तो अब चलो यार सोते हैं, मिलते हैं सुबह बहुत ही बेहतरीन हाई स्पीड एक्शन के साथ।
ये देखो भाई साहब, सुबह का अभी 8 बज चुका है और यहाँ पर मॉर्निंग टी की जो ट्रे होती है ना वो लगा के तो रखी हुई है, लेकिन स्टाफ यहाँ कहीं नहीं है। वहाँ भी देख रहे हैं तो वहाँ भी उस कोच का भी स्टाफ अभी देख रहा था लेकिन अभी चला गया है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ इस कोच का स्टाफ जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं इसमें तो कोई है ही नहीं है। कौन से कोच में आप? क्या हुआ? इधर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो अभी आप लोगों ने देखा ना, जो केटरिंग स्टाफ था हमने उनको बोला रुकने की या चाय वगैरह की, कुछ बोलते उससे पहले ही भग गए, मतलब हाथ में कुछ लिए थे लेकिन तोड़ गए। आजकल रोल रहे हैं रुको भैया सुनो, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं। ये बताओ, सुबह का 8 बज रहा है अभी तक चाय भी सर्व नहीं करी गई है, मॉर्निंग टी रहती है ना? हाँ, तो फिर सर्व क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कौन आएगा? कब आएगा? उसके बाद आप लोगों को रोक रहे हैं, अभी एक को रोका, दौड़ लगा रहे हो ऐसे कैसे? आप किस कोच में हो? आगे वाले कोच में हूं। इस कोच का कहाँ? इस कोच का है ही नहीं है, सुबह से हम देख रहे हैं, करीब एक घंटा हो गया। दस बार तो मैं ही देख चुका हूँ, अभी कैमरा लगा हमको मैं सिखाऊं। सुनाओ हमारी बात, क्या हमको मत सिखाओ वाली क्या बात बोल रहे हो? चाय कितने बजे दिया है? 6 बजे चाय दिया। आप 6 बजे दिया? ये बताओ, सुबह 6 बजे पैसेंजर सब जग रहे थे? जो जगेगा उनको मिलेगा, जो नहीं जगेगा उनको कहाँ से मिलेगा? अच्छा, उनको मिलेगा नहीं, अब भी नहीं मिलेगा, सुबह का 8 बज रहा है अभी नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट लेके आ रहा है, उसके बाद चाय देगा। जाके जब इतना बोला है उसके बाद कॉफी और चाय सर्व की जा रही है। तो अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है गोधरा जंक्शन। देखो कोई बोल नहीं रहा था तो भाई साहब, कोई भी पेंट्री स्टाफ कुछ भी सर्व नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम बोले हैं तो उसके बाद पूरी ट्रेन में सर्विस चालू हुई है नहीं दोबारा। अब देखो चाय वगैरह सबको सर्व कर रहे हैं। तो अब सुबह का 8:30 बज गया है और अब ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है अपनी ट्रेन में, स्लीपर कोच में। हाँ, तो ब्रेकफास्ट अपना आ गया है और चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ब्रेकफास्ट में है ब्राउन ब्रेड, अमूल बटर, टोमेटो केचप और ये नोवा का मिल्क पाउडर, यहाँ पर है टी बैग, शुगर और ये ऑमलेट सर्व किया है, जबकि हमने वेज सेलेक्ट किया था ऑनलाइन, उसके बाद भी नॉन वेज ऑमलेट अपन को सर्व कर दिया है गलती से। आप ये दे गए, चलिए कोई नहीं, ओपन हो गया है, वो बंद कर देना आप। हाँ चलो भाई, अपना वेज आ गया है, बाकी तो सेम रहती हैं चीज़ें सारी, बट वेज में यहाँ पर देखो कटलेट होगा, गलती से उनने हमको नॉन वेज दे दिया था, अब वेज दे दिया है वापस से। हाँ तो ये है कटलेट और साथ में मटर। ये देखो भाई साहब, दुरंतो में भी लोकल वेंटर्स चल रहे हैं इसमें, पता नहीं क्या चक्कर है। एसी कोच में नहीं जाएंगे, सिर्फ स्लीपर स्लीपर कोच में जो है बेचते हैं लोकल। अगर कटलेट की टेस्ट की बात करें तो एवरेज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस फ्रेश है और गर्म तो खाना ही नॉर्मल ही था, है ना। और स्लीपर क्लास में ये अपन को सर्व किया गया ब्रेकफास्ट, अगर इसकी कंपैरिजन करें एसी क्लास से तो उसके मुकाबले एसी में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी सर्व की जाती है कटलेट में। हमने कई बार ट्राई किया हुआ था, हमको पता है उसमें हमने थोड़ा मज़ेदार उतना नहीं है, बस ये है एवरेज है, काम चल सकता है, बेकार भी नहीं कहेंगे और अच्छा भी नहीं कहेंगे, मतलब एवरेज। अभी अपन लोग आधा घंटा बिफोर चल रहे थे लेकिन सिग्नल नहीं मिला, तो अभी निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग वडोदरा जंक्शन, जो कि गुजरात का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन और इंडियन रेलवेज का 9th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर डेली 170 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। ये देखो भाई, कितना काला धुआं छोड़ा एकदम जब स्टार्ट होता है। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर लोको चेंज होगा, इलेक्ट्रिक से लगेगा डीजल लोकोमोटिव। और ये देख रहा हो ना, जनरेटर कार पहले नहीं चल रहा था, अभी जस्ट इसको चालू किया गया है। और देखो अपना लोकोमोटिव जो है, जब तक अपन आगे ही साइड आए ना, अपना लोकोमोटिव डीकपल कर दिया है। ये देखो लोकोमोटिव अपना अलग कर दिया, अब ये जाएगा, उसके बाद
डीजल लोकोमोटिव कपल किया जाएगा। अब देखते हैं कौन सा डीजल लोकोमोटिव आके कपल करने वाले हैं अपनी ट्रेन में। आ गया अपना डीजल लोकोमोटिव जो, हाँ भैया आ गए समझ गए, WDP-4D। अब यही अपनी ट्रेन में कपल किया जाने वाला है। और ये है एर्नाकुलम डीजल लोको शेड का लोकोमोटिव। और बगल से ये देखो कौन सी ट्रेन डिपार्चर ले रही है, ये है जैसलमेर बांद्रा एक्सप्रेस। इसको पहले सिग्नल दे दिया, लेकिन उम्मीद है आगे अपन इसको ओवरटेक मार दें। ये लो भाई हो गई कपलिंग, ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया गया है, इसलिए अपन को तो भाई सिग्नल मिल नहीं पा रहा है और वैसे भी थोड़ा लेट हो गए अपन लोग। और सामने ये देखो सौराष्ट्र एक्सप्रेस जो कि मुंबई सेंट्रल और पोरबंदर के बीच में चलती है ना, इसको भी सिग्नल मिल गया। और आगे जाके अभी ये जिससे पहले जो ट्रेन निकली थी ना जैसलमेर बांद्रा, वो और इसको उम्मीद पूरी पूरी है कि अपनी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस हाई स्पीड में ओवरटेक मारे, तो मज़ा होने वाला है भाई। इसके आगे की जो जर्नी है ना बहुत मज़ेदार होने वाली है, बिल्कुल हाई स्पीड वाली टॉप क्लास। निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो गया है वडोदरा जंक्शन से। लेट हो गए अपन लोग क्योंकि लोको अपना चेंज हो रहा था ना। और ये देखो डबल डीजल लोकोमोटिव में कौन सी ट्रेन आई है, देखते हैं क्या मस्त सीन दिख रहा है। दो लोकोमोटिव चल रहे हैं, अपन भी चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। श्री गंगानगर हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस। फाइनली अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ने सौराष्ट्र मेल को ओवरटेक मार दिया बहुत ही जल्दी। अगला ही स्टॉप तो जो था ना वडोदरा जंक्शन के बाद, वहीं पर ओवरटेक मार दिया। उतनी स्पीड नहीं थी बट ओवरटेक हो गया। और अब देखते हैं अगली ट्रेन जो है अपनी जैसलमेर बांद्रा सुपरफास्ट, उसको कब ओवरटेक मारती है अपनी ट्रेन। निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग सूरत। और सूरत वेस्टर्न रेलवे का एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और अगर बात करें सूरत स्टेशन की तो भाई साहब इसके जो प्लेटफॉर्म है ना ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बने हुए हैं, ये बने हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अगर कभी भी आप लोग आए हैं ना सूरत तो आपने देखा होगा कि हाँ भाई ऊपर आना पड़ता है चढ़ के, तब जाके अपन पहुंचते हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। ये देखो भाई सब लाइन से उतरते ही जा रहे हैं सब लोकल वेंडर्स। एक और ये, और ये खड़ी है अमरावती, सूरत अमरावती एक्सप्रेस।
सूरत रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का बस 3 ही मिनट का स्टॉप था और इतनी भीड़ रहती है ना सूरत पे कि भाई साहब ज़्यादा कुछ रुकावट करना आसानी नहीं है इतने कम समय में। और अभी अपन जिस ट्रेन को ओवरटेक करने वाले थे वो कर ही नहीं पाए, वो जैसलमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट, वो पता नहीं आगे चली जा रही है इसलिए जा रही है। अब देखो हमको लग रहा है उसका क्या है, अभी वलसाड पे स्टॉप है अपना, तो अब सीधा वसई रोड रुकेंगे मतलब मुंबई सीधा, अपना कहीं स्टॉप नहीं है। अब देखो रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत जल्द उसको अपन लोग ओवरटेक करने वाले हैं और इस बार उम्मीद है कि हाई स्पीड में बढ़िया ओवरटेक करेंगे। तो अभी दोपहर का 1:20 हो रहा है और अपन को लंच सर्व कर दिया गया है, तो चलो ओपन करके देखते हैं क्या क्या मिला है आज अपन को लंच में इस दुरंतो एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। अपन ने ओपन कर लिया है आज, अपन को लंच में यहाँ पे सर्व हुए हैं 2 पराठे, दाल फ्राई, ये है आलू मटर की सब्जी, यहाँ पे राइस, साथ में मदर डेरी का क्लासिक दही और एक नेलॉन्स का मैंगो पिकल। अब बात करें अगर थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में अंतर क्या रहता है खाने में, तो देखो सब कुछ तो सेम रहता है, बस यहाँ पर सब्जी का अंतर रहता है। जैसे अपन को आलू मटर सर्व किया गया है, बट एसी में क्या होता है कि अपन को पनीर की सब्जी सर्व की जाती है। यार बहुत जोरदार भूख लग रही है, चलो यार सबसे पहले अपना लंच करते हैं और कुछ ही देर में आने वाला है वसई रोड रेलवे स्टेशन, तो वहाँ मिलते हैं, उसके बाद हम आपको ओवरऑल सभी चीज़ों को बताएंगे कि टेस्ट कैसा था अपना लंच का। निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग वसई रोड रेलवे स्टेशन। और बात करें अगर खाने की टेस्ट की, तो भाई हम सही बता रहे हैं, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा खाना मिल सकता है स्लीपर क्लास में, क्योंकि ज़्यादातर देखते हो भाई थर्ड एसी में कभी कभी अच्छा खाना नहीं मिलता। और एक बार तो हावड़ा राजधानी में ट्रैवल किया था फर्स्ट क्लास में, उसमें भी वैसा खाना नहीं मिला जितना अच्छा खाना स्लीपर क्लास में मिला। मतलब दाल वो भी बढ़िया, आलू मटर की सब्जी एकदम घर जैसी वो भी बढ़िया, पराठे थे ना वो तो एकदम सॉफ्ट थे और अच्छा था यार, मज़ा आ गया। हमने 2 पराठे और एक्स्ट्रा लिए, बढ़िया था। दही भी जो था ना एकदम फ्रेश था, ऐसा नहीं कि खट्टा सा हो दही ज़्यादा दिन का हो, नहीं भाई फ्रेश था, मज़ा आ गया भाई लंच करके। बात करें अगर किलोमीटर्स की, तो भाई लगभग अभी अपन लोग आधा सफ़र तय कर चुके हैं, 1325 किलोमीटर कवर करने के बाद अपन यहाँ पहुँचे हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन। अब इतना ही और सफ़र अभी अपन को करना है, अब कल दोपहर तक अपन लोग पहुँचेंगे एर्नाकुलम, लंबा सफ़र है भाई लंबा। और ये आ चुकी है अभी दर्शन एक्सप्रेस, जो कि पुणे से निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है। ये देखो इसमें हम सफ़र के ही रेक लगा दिए, आधा हम सफ़र लगा है, पीछे रेड LH भी अलग दिख रहा है, पूरी जो है ना मिक्सिंग करती है, क्या करें अब मिक्सिंग देख लो ना भाई। इसमें हम सफ़र लगा दिया है, रेड LH भी लगा है, चलो ठीक है वो तो रेड LH भी सब में ही लग रहा है, अपनी तुरंत तो देख लो
एक भी कोच दुरंतो लिवरी का नहीं है, एक भी दिख जाए आगे से लेके पीछे तक, एक भी कोच दुरंतो लिवरी का नहीं है, पूरा वही रेड LHB कोच लगाए हुए हैं। ये चीज़ हमें बड़ी बेकार लगती है यार रेलवेज की, जो लिवरी जिसके लिए है उसमें यूज़ करो ना। देखो ये राजधानी से कम नहीं लग रही, ये सुपरफास्ट से कम नहीं लग रही। खाने का तो हमने आपको बताया कैसा खाना मिला था हमको स्लीपर क्लास में, और एक और चीज़ है थर्ड AC में खाने के बाद आपको मीठे में आइसक्रीम या कुछ भी स्वीट में सर्व किया जाता है, बट स्लीपर में ऐसा नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए मीठे में तो आप अलग से ले सकते हो, जैसे कि ये अभी रबड़ी हमने ली है, ये 3500 रुपये की आनंदा की रबड़ी है, ठंडी है, तो हमने सोचा यार अब मीठे में कुछ खाने का मन हो ही रहा है ठंडा सा, तो रबड़ी ले ली जाए। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप मतलब ये मत सोचना कि कुछ मिलेगा आपको साथ में मीठे में, मीठे में कुछ भी नहीं, जो हमने आपको प्लेट दिखाई थी बस वही आपको सर्व किया जाएगा लंच में। अभी आपने जिस ट्रेन की क्रॉसिंग देखी ये थी कोयम्बतूर हिसार AC एक्सप्रेस। भाई साहब इतने टाइम ये मुंबई अपन आ ही चुके हैं, मुंबई एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि स्लीपर के कोच में हालत खराब हो रही है, पसीना आ रहा है बैंक, और पंखे भी चल रहे हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है, क्योंकि आसपास पूरा ये पहाड़ी इलाका है, ये अपना बसई रोड से लेके पनवेल जंक्शन तक का पूरा पहाड़ी इलाका है भाई, तगड़ी गर्मी है यहाँ पर। देख लो कोच भी अपना थोड़ा बहुत खाली हो गया है यहाँ पर वसई रोड पे, काफ़ी लोग उतर गए यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों को मुंबई जाना रहता है ना तो काफ़ी लोग वसई रोड पे ही उतर गए। गर्मी तो यार बाहर बहुत हो रही है, लेकिन यार अभी बहुत ही बेहतरीन कर्व आने वाला है, पूरा 360 कर्व पूरी ट्रेन ऐसी घूम जाएगी, मज़ेदार कर्व है। तो चलो चलना है दोबारा से गेट पे, हाँ तो ऐसे चल रहे हैं गर्मी में, लेकिन यार कर्व ना बहुत मज़ेदार आने वाला है। चलो हम आपको कर्व दिखाते हैं, निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग पनवेल जंक्शन, और पनवेल जंक्शन के अगर स्टेशन कोड की बात की जाए तो यहाँ पर सबअर्बन ट्रेन्स के लिए यूज होता है PL, और मेनलाइन ट्रेन्स के लिए यहाँ पर यूज होता है PNBL। और इस रेलवे स्टेशन पे दो राजधानी एक्सप्रेस का ऑफिशियल हॉल्ट है, इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, और यहाँ पर डेली 1 मिलियन पैसेंजर्स आते हैं, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का स्टॉप है। और ये देखो हमने बताया ना सब अर्बन ट्रेन्स और मेन लाइन ट्रेन्स, तो ये खड़ी हुई है अपनी लोकल ट्रेन सब अर्बन ट्रेन और ये मेन लाइन ट्रेन, और दोनों ही एक ही फ्रेम में दिख रही हैं। ये देखो बस बीच में एक दीवाल सी है, इधर है लोकल इधर है मेन लाइन। ट्रेन निकल चुकी है पनवेल जंक्शन से और अभी बज रहा है शाम का 4, और अब डायरेक्ट अपनी ट्रेन रुकेगी रात के 8:30 बजे रत्नागिरी पर, मतलब लगभग 280 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। तो अभी शाम का बज रहा है 4:30 और अपना शाम का स्नैक्स आ गया है, स्नैक्स में वही है कचौड़ी है और टिकट है साथ में टोमेटो केचप। तो अभी आप होते हैं अगर थर्ड AC में तो इसके साथ साथ आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलती है, जो जैसे कि फ्रूटी वगैरह हो गई इस टाइप की, कुछ एनर्जी ड्रिंक हो गई,
ये मिलती है, बट अगर स्लीपर की बात करें तो इसमें नहीं मिलती है। अभी हमने पूछा भी स्टाफ से, वो बता रहे हैं कि हाँ अगर एसी में होंगे तो मिलेगी, तो इसमें स्लीपर में नहीं रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस है एसी में और स्लीपर क्लास में केटरिंग सर्विस में, अगर आप देखेंगे दुरंतो में। और बाकी कचौड़ी देख रहे हैं तो भाई ठंडी है, गर्म तो नहीं है। चलो उसको टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है कचौड़ी का। एवरेज है, इसमें मसाला जो है ना भाई तीखा काफ़ी है, तीखा हम खाते नहीं है बिल्कुल, मतलब कम खाते हैं, उसमें तीखा काफ़ी है। कॉफ़ी हो गई है रेडी, पीते हैं एकदम भाई स्ट्रॉन्ग बनाई है। अगड़ी देख ही रहे थे अभी जब मिक्स की है ना, एकदम ब्राउन हो गई, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनी है। पनवेल जंक्शन निकलने के बाद अपना कोंकण रेलवे का रूट शुरू हो जाता है और यहाँ पर है सिंगल डीजल लाइन। और शाम का अभी 5:30 बज रहा है, अब आपको सनसेट आज हम दिखाएंगे, वो भी कोंकण रेलवे का, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी रात का बज रहा है 8:30 और अपन लोगों को डिनर सर्व कर दिया गया है। चलो बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं इनमें क्या सर्व किया गया है अपन को आज डिनर में। सुबह जो लंच में अपन को सर्व किया गया था वही सेम मेन्यू है, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है यहाँ पे सब्जी का। सुबह थी आलू मटर, अभी है आलू मटर और ये है परवल की सब्जी, बाकी वही चावल, दाल फ्राई, 2 पराठा, मेलॉन्स का अचार और एक मदर डेरी का क्लासिक दही। और कोच में तो आप देख ही रहे हो भाई, काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है और खाना भी हम आपको कैसे दिखा रहे हैं, मोबाइल की फ्लैशलाइट चला के। तो चलो अब फटाफट से डिनर करते हैं। निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग रत्नागिरी। और रत्नागिरी कोंकण रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और जितनी भी ट्रेन कोंकण रेलवे में यहाँ से गुजरती हैं उन सभी का यहाँ पर ऑफिशियल स्टॉप है। और अपनी ट्रेन का, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और अब बात कर लेते हैं डिनर की, जो अपन लोगों को इस दुरंतो एक्सप्रेस में अभी सर्व किया गया। तो भाई जो लंच था ना उसके मुकाबले ये समझ लो बस 50% था, एवरेज था,
लेकिन जो लंच था ना वो बहुत बढ़िया था भाई, एकदम टेस्टी था। बट डिनर में उतना ज़्यादा हमको मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो पराठा था ना हमको लग रहा है दिन वाले ही पराठा अभी रात में गर्म करके सर्व कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा कड़क था साइड में से, बाकी एवरेज था। तो रत्नागिरी के बाद अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस का अब डायरेक्ट स्टॉप है मडगांव जंक्शन पे, जो कि रात में 12 बजे आना था, बट अभी अपनी ट्रेन लगभग 55 मिनट लेट चल रही है, तो अब आएगा करीब 1:15 के लगभग। तो चलो हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सोते हैं और मिलते हैं सुबह अब सीधे मैंगलोर जंक्शन पे। निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग मैंगलुरु जंक्शन, और इस एरिया का ये सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेन्स यहीं से होकर गुजरती हैं। और इस रेलवे स्टेशन को पहले कन कनडी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, और इस सिटी में एक और रेलवे स्टेशन है जो कि है मैंगलुरु सेंट्रल, जो कि यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ से है करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और भाई देख रहे हो ना, सब अपन रात में चले थे परसों, तो अपन थे नॉर्थ में, सुबह हुई अपनी वेस्ट में, शाम हुई अपनी कोंकण रेलवेज में, और अभी फिलहाल आज सुबह हो रही है अपनी कहाँ, साउथ में। यही तो मज़ा है भाई इंडिया में ट्रैवल करने का, जितना लंबा आप ट्रैवल करोगे ना आपको उतनी नई नई चीज़ें, उतने ज़्यादा नए रंग इंडिया के देखने को मिलेंगे। तो कॉफ़ी तो अभी अपन ने रेडी कर ली है, लेकिन आज क्या गड़बड़ हो गई है, पानी ज़्यादा हो गया, देख रहे हो ना ऊपर तक भरी हुई है, ये गड़बड़ हो गया, पानी ज़्यादा हो गया ना तो अब स्वाद ही नहीं आ रहा कोई, और अभी आगे की साइड चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंगलुरु जंक्शन पे इस दुरंतो एक्सप्रेस का लोको फिर से चेंज होता है, अभी लगा था डीजल लोकोमोटिव, अब लगाया जाएगा वापस से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो चल रहे हैं अभी आगे। तो जब तक अपन लोग आए, अपना टिल्लू भाई तो चला गया, अब इल्लू भाई आ रहा है, देखो जगह खाली है, जनरेटर कार चल रही है बढ़िया, वो आ रहा है अपना इल्लू भाई WAP-7। तो अभी आपने देखा ना अपना टिल्लू भाई हटा के इल्लू भाई लगा दिया, आप सोच रहे हो टिल्लू इल्लू क्या है, तो भाई डीजल लोकोमोटिव को हमने नाम रख दिया आज से प्यार से टिल्लू भाई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इल्लू भाई, ठीक है ना, अब जहाँ भी इनका वो होगा ना चेंज होगा, डिल्लू से इल्लू, इल्लू से डिल्लू, तो ऐसे ही अपन लोग बोलेंगे, ठीक है ना, सही लगा ना, लगा कैसे आपको ये नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो चल रहे हैं अपने कोच की तरफ, काफ़ी आगे की साइड आ गए थे यार, देखो इल्लू भाई इधर भी खड़े हुए हैं, दो 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 का तीन खड़े हैं, एक पीछे खड़ा है इधर लाइन से, तीन खड़े हैं इल्लू भाई उस साइड, जब आए थे ना अपन मैंगलुरु स्टेशन पर अराइवल हुआ तो डिल्लू भाई बहुत सारे खड़े हुए थे, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई इस रेलवे स्टेशन पे, तो ये देखो ना कोई ट्रेन की टाइमिंग है, ना कुछ, ना लोग हैं, एकदम सन्नाटा। Thank you.
दक्कन रेलवे वाला रूट है ना, वो पनवेल से शुरू होता है और मैंगलुरु जंक्शन तक ही रहता है, उसके बाद खत्म। लेकिन भाई अब इससे भी कुछ ज्यादा बेहतरीन एक चीज आने वाली है कि अपन लोग एंटर कर चुके हैं अब केरला में, और केरला के बहुत अल्टीमेट नज़ारे मिलने वाले हैं। इस साइड है ना, जो राइट साइड, इधर पूरा अरेबियन सी है, पूरा समुद्र है, और इधर अपनी ट्रैक्स चल रहे हैं इधर बिल्कुल बगल से ही, मतलब बीचेस वगैरह भी देखो बीच में दिखते रहेंगे अपन को, और साथ ही जो बैक वाटर वगैरह होता है ना वो, और पूरा केरला का भाई अल्टीमेट सीन्स आने वाले हैं। और हमारा तो ये फर्स्ट टाइम है केरला में, हम इससे पहले कभी भी केरला में नहीं आए, तो यार बहुत ही तगड़े तगड़े सीन हो रहे हैं। पर अपन लोग मजे ले रहे हैं केरला के नज़ारों के, और यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, तो चलो जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है तब तक और बेहतरीन बेहतरीन सीन्स देखते हैं केरला के। अपना ब्रेकफास्ट, आज हमने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा चेंज करवाया है, कल था वेज में था कटलेट आपने देखा ही, तो अभी थोड़ा सा चेंज करवा के आज अपन ने मंगाया है ऑमलेट। हमने चलो ऑमलेट टेस्ट करते हैं तुरंतों में स्लीपर क्लास में कैसा ऑमलेट दिया जा रहा है। बाकी तो सब वही है, ब्राउन ब्रेड है, एक टी किट है, उसके संग मिल्क पाउडर, शुगर, टोमेटो केचप, अमूल का एक बटर, बाकी सब कुछ वही है, बस वेज और नॉन वेज में इसी का अंतर आता है ऑमलेट और कटलेट। चलो ब्रेड ऑमलेट को टेस्ट करते हैं कि कैसा सर्व किया गया। वैसे गर्म नहीं है अभी ऑमलेट, हमने देखा नॉर्मल टेम्परेचर है। टेस्ट भाई नॉर्मल है जैसा होता है, ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है, बेकार भी नहीं है, जैसा कटलेट का सीन था ना सेम वैसे ही है, मतलब एवरेज। फास्ट करते हैं फटाफट, और उसके बाद केरला के और खूबसूरत आपको थोड़े बहुत नज़ारे दिखाते हैं भाई। इतना मस्त साउंड आ रहा है, एक तो ट्रैक साउंड इतना अल्टीमेट आ रहा है, अभी आपने सुना ही होगा, मज़ा आ गया। एक तो ट्रैक साउंड, ऊपर से खूबसूरत नज़ारे, मन ही नहीं हो रहा था हमारा तो गेट से आने का, लेकिन अब ब्रेकफास्ट करना था, बस ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर गेट पर चलते हैं और आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाएंगे।
निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग कोझिकोड रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1888। यहाँ पर आपको 6 लाइंस 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगी। और ये रेलवे स्टेशन इंडिया की मेजर सिटीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ से आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का स्टॉप है। और इस जर्नी का ना ये आखिरी स्टॉप है, क्योंकि अब डायरेक्ट अपनी ट्रेन रुकेगी एर्नाकुलम जंक्शन, जो कि अपनी डेस्टिनेशन है। मतलब यहाँ से एर्नाकुलम तक 194 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली हो। भाई साहब बहुत मजा आ रहा है इस रूट में ट्रेवल करते हुए। जो ट्रैक साउंड और जो व्यूज मिल रहा है ना, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। और आपको कैसा लग रहा है ये नजारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो भाई सिग्नल हो गया, 3 मिनट का स्टॉप था हमने बताया ना, चलो वापस चलते हैं। तो अभी कैलीकट रेलवे स्टेशन पे ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, देख रहे हो ना। और हमारा ये जो कंपार्टमेंट है ना, 8 सीट वाला जो होता है, ये तो पूरा ही खाली हो गया, एक पैसेंजर नहीं है। और उधर भी देखो पूरा खाली दिख रहा है ना, लगभग बस कुछ ही पैसेंजर्स हैं। और इधर भी कुछ ही पैसेंजर्स बचे हैं, बाकी सब उतर गए। अब हम आपको स्लीपर क्लास के वॉशरूम को दिखाते हैं, क्योंकि अपनी ऑलमोस्ट जर्नी कंप्लीट हो गई है, बस 3-4 घंटे की जर्नी बची है। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो डस्टबिन यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। चलो ठीक है। और बेसिन भी ज़्यादा कुछ खास साफ नहीं है भाई, देख रहे हो इस पर, पता नहीं लोगों ने गुटखा भी फूका हुआ है, तो इसलिए थोड़ा गंदा ये हो रहा है। अब चलो चलते हैं वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम की कंडीशन देखी जाए कैसी है। तो ये देखो भाई, लोग पता नहीं क्या करते हैं, बीड़ी पड़ी हुई है, वहाँ देखो कैसी गंदगी है। और मैं क्या ही बोले भाई, इससे आगे तो हैंड वॉश मिल जाएगा, बस ये थोड़ी सही चीज़ है। लेकिन हैंड वॉश भी है ना एकदम बिल्कुल पानी, बिल्कुल पानी मिला रखा है। गंदगी तो आप देख ही रहे हो, क्या मेंटेनेंस है इसकी। ये हाल है स्लीपर के वॉशरूम का। तो एसी और स्लीपर क्लास में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो यही वॉशरूम की साफ़ सफाई, मेंटेनेंस का भी। आपने देखा ही कितना गंदा था। खैर इसमें लोगों की भी गलती है, क्योंकि यार बीड़ी किसने पी है, लोगों ने ही तो पी है। गंदगी किसने फैलाई है, लोगों ने फैलाई है। गुटखा किसने थूका, लोगों ने थूका है। तो लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि भाई ये सब ना करो यार ट्रेन में, ठीक है ना। इतनी अच्छी साफ़ सफाई, सब कोच में अच्छी साफ़ सफाई मेंटेन है, बट वॉशरूम गंदा कर दिया। लेकिन यार रेलवेज की तरफ से भी थोड़ा सा मेंटेनेंस का इसमें और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एसी की वॉशरूम हमने देखे हैं काफ़ी हद तक साफ़ रहते हैं, बट साफ़ सफाई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। क्योंकि जो बेसिन वगैरह थी ना वो गंदी थी, ऐसा नहीं है कि जो थूका हुआ है वही गंदा है, और भी सब गंदगी पड़ी हुई है। और मिरर्स वगैरह भी साफ़ नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेलवेज को। तो अभी दिन का बज रहा है 12:30 और अपन को अपना लंच सर्व कर दिया गया है। और ये इस दुरंतो एक्सप्रेस की लास्ट मील है, तो चलो देखते हैं लंच में आज क्या सर्व किया गया, कुछ अलग है या फिर कल जैसा ही है सेम। तो जो कल लंच में था उसके बाद जो रात में सर्व किया और जो अभी सर्व किया है, उस सब में बस एक ही चीज़ का अंतर है, वो है सब्जी का। यहाँ पर जो है अभी अपन को कोफ्ते की सब्जी सर्व की गई है। कल दोपहर में था आलू मटर, उसके बाद आलू मटर परवल की सब्जी थी शाम को डिनर में, उसके बाद अभी कोफ्ते की सब्जी, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। आप देख ही रहे हो, बाकी वही मैंगो पिकल, दही, पराठा, चावल, दाल। पहले टेस्ट करते हैं अपनी सब्जी। थोड़ा तीखा ज़्यादा है, मसाले इसमें काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा कम तीखा होता ना तो और सही रहता, क्योंकि हम तीखा कम खाते हैं। बाकी टेस्ट के हिसाब से तो सही है। अब करते हैं दाल, फेवरेट दाल क्या है भाई, ऑल टाइम फेवरेट वाली चीज़ है, जब चाहे खिला दो हमको। दाल भी सही है, मतलब भाई ये भाई कल दोपहर का जो खाना था ना, जो लंच दोपहर में कराया था, उसका मुकाबला ना रात का डिनर कर पाया ना आज का लंच, वो तो अल्टीमेट था।
सामने ये जो आप देख रहे हो ना, ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और भी देखो वहाँ से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है भाई, बहुत तगड़ा सीन आने वाला है, देखते रहना। आ रहा है वैसे, दिख गया दूर से वो आया। कुछ ही देर में हम लोग एर्नाकुलम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। और ये हैं इमरान भैया, ये अपने कोच में पेंट्री की सर्विस देख रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई, उस टाइम में था ना ये थे पेंट्री में थे आप, उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद से पूरा दिन कल का और आज का भी दोपहर का 2 बजने वाला है कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया सर्विस इनके पास से देखने को मिली है, धन्यवाद भैया। और आगे भी उम्मीद है कि और भी पैसेंजर्स आएंगे तो उनको इसी प्रकार से सर्विस देखने। अच्छा एक बात बताइए, हमने तो आपकी तारीफ कर दी, हमने तो बता दिया, आपका जो भी फीडबैक था हमने पब्लिक को बता दिया। अब आप एक बार, जैसे हम पैसेंजर हैं, हमारा फीडबैक बताइए आपको, हमारा व्यवहार कैसा लगा? अच्छा लगा सर, आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। हमने चलो आज केटरिंग स्टाफ से भी अपना फीडबैक लेते हैं कि कैसे आए, है ना, क्योंकि जरूरी है भाई, फीडबैक मिलेगा तभी तो सुधार आएगा, है ना। जैसे आप लोग भी अभी आए, आपके सीनियर को भी फीडबैक लेके गए, तो बस वही है, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई बट उसके बाद काफी अच्छी सर्विस देखने को मिली है इस ट्रेन में। ये अभी अपन लोगों ने ओवरटेक किया परशुनाथ एक्सप्रेस को एर्नाकुलम टाउन से। निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ये आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो की डेस्टिनेशन एर्नाकुलम जंक्शन। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, इतनी लंबी जर्नी थी, मतलब 42 आवर्स ऑलमोस्ट, 2 दिन हम इस दुरंतो में थे, वो भी स्लीपर क्लास में। हालत देख रहे हो भाई, पसीना, गर्मी, इतनी गर्मी है ना यार, केरला साइड जब सुबह सुबह मौसम था बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, जब बोले थे ना ट्रैक साउंड बहुत अच्छा रहा, उसके बाद जो गर्मी हुई है हालत ख़राब हो गई सही में यार, बहुत पसीना आ रहा है, एकदम हालत ख़राब हो गई है। लेकिन हमको आपको स्लीपर की पूरी सर्विस दिखाना था कि स्लीपर में कैसी सर्विस मिलती है दुरंतो ट्रेन में, तो हमने आपको दिखाया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको जो भी चीज़ पूरी जर्नी में पसंद आई, और एक ही पार्ट में हमने ये जर्नी निकाल दी क्योंकि हम चाहते थे कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से अपन लोग आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में एक साथ देखें। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि पूरी वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगी, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक ज़रूर कर दो, और ट्रेन लवर्स एच पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ मेंशन हो रही है वहीं फॉलो कर लो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।